नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। सायापुर एसओजी और चौक कोतवाली पुलिस ने आज चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने चोरी गई रकम को लगभग 100% बरामद कर लिया, साथ ही 5 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से अवैध असलाह भी बरामद हुए हैं। ये खबर हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाएंगे हेडलाइंस, उसके बाद में दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। सायापुर एसओजी और कोतवाली पुलिस ने किया करोड़ों की चोरी का खुलासा। दो दिन पहले शराब ठेकेदार के कार्यालय से हुई थी चोरी। पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी और 5 चोरों को किया गिरफ्तार। थाना आरसी मिशन क्षेत्र में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। शव के पास से कथित सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में फैक्ट्री मालिक पर लगाए गए गंभीर आरोप। जलालाबाद रोडवेज बस अड्डे पर बस चालक की बड़ी लापरवाही। बस से नीचे उतर रही महिला यात्री को बस ने कुचला। गंभीर रूप से घायल महिला का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। महानगर से विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही बिजली चोरी का मामला आया सामने। सदर बाजार इलाके के शहीद पार्क के पास सीधे ट्रांसफार्मर से तार जोड़कर की जाती है बिजली चोरी। जिम्मेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। और मिशन 24x7 की खबर का दिखा बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के बाद रुका हुआ पुलिया का निर्माण काम शुरू हुआ। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने पर स्थानीय लोगों ने मिशन की टीम को बोला धन्यवाद। थाना सदर बाजार क्षेत्र के शहीद पार्क के पास बिजली का बिल जमा करने वाली वैन खुलेआम बिजली की चोरी कर रही है। बिजली का बिल जमा करने वाला संचालक सीधे ट्रांसफार्मर से बिजली का तार जोड़कर चोरी करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि बहादुरगंज बिजली विभाग में तैनात एक संविदा कर्मी के पास बिल जमा करने का ठेका है, जो खुलेआम बिजली की चोरी कर रहा है। खास बात यह है कि बिजली चोरी का यह गोरख धंधा बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है और आपस में पैसों का बंदरबांट हो रहा है। कल जलालाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जिलाधिकारी का कहना है कि संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य है कि फरियादियों की समस्याओं को प्रमुखता से निर्धारित किया जाए। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह का कहना है कि संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य है कि हर फरियादी की समस्या का त्वरित निस्तारण कराया जाए। सायापुर पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 57 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध शस्त्र, भारी मात्रा में कच्ची शराब और नकदी बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने शांति भंग करने और न्यायालय में हाजिर न होने वाले 30 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। यह अभियान SP एस आनंद के निर्देशों पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों से एक साथ चलाया गया था। सायापुर के उद्योगपति किशन अग्रवाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। किशन अग्रवाल की मौत के बाद उद्योग जगत से जुड़े लोगों में शोक की लहर है। निधन की सूचना मिलते ही सपा नेता तनवीर खान और पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा उनके आवास मोहल्ला अजीजगंज पहुंचे। थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के रियाल स्कूल के सामने एक बाग में पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला है। मृतक का नाम राजेंद्र बताया गया है, जिसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में मृतक ने हथौड़ा स्थित फैक्ट्री मालिक पर झूठा मुकदमा लिखवाकर उत्पीड़न करने की बात लिखी है। मृतक पर फैक्ट्री मालिक ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा रखा था। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। 10 अगस्त को रोडवेज बस की टक्कर लगने से घायल हुए युवक ने जलालाबाद पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जलालाबाद क्षेत्र के गांव रोली बोली का रहने वाला पंकज ने बताया कि 10 अगस्त को वो जलालाबाद से सामान खरीद कर घर लौट रहा था, तभी गुनारा मोड़ के पास फरकाबाद की ओर से आ रही रोडवेज की अनुबंधित बस ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल ने इलाज के बाद अब पुलिस को शिकायत देकर बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जन्माष्टमी के मौके पर पुआया में पूर्व सैनिकों और स्वयं सेवकों ने साफ सफाई का अभियान शुरू किया। इस दौरान मंदिरों में साफ सफाई की गई। साफ सफाई अभियान में पूर्व सैनिक मनीष कुमार शुक्ला और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला प्रचारक जयकिशोर और व्यापारी नेता विकास गुप्ता सहित कई लोग शामिल हुए। साफ सफाई का यह अभियान पुआया नगर स्थित पक्का तालाब से शुरू हुआ। यहाँ पड़े कूड़े करकट को हटाया गया।
सायांपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज खिरनीबाग रामलीला मैदान में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता आदित्य प्रताप सिंह लोधी के नेतृत्व में किसान खिरनीबाग रामलीला मैदान पहुंचे। किसान नेता आदित्य लोधी का कहना है कि केंद्र सरकार के मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप लगा था, जिस मामले में अभी तक पीड़ित किसानों को न्याय नहीं मिला, जिसके चलते किसान निराश हैं। आदित्य लोधी ने मांग करते हुए कहा कि पीड़ित किसानों को न्याय मिलना चाहिए। जलालाबाद में रोडवेज बस चालक की लापरवाही के चलते महिला को चोट आई है। बलदेवपुर खंडहर की रहने वाली महिला मुन्नी देवी रोडवेज बस अड्डे पर बस से उतर रही थी, उसी दौरान चालक ने बस को आगे बढ़ा दिया। इस दौरान महिला के दोनों पैर बस के पहिए से कुचल गए और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, यहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। तेलहर स्टेशन रोड पर बनी गौशाला में भी आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। यहां पहुंचे भाजपा नेता सविता वर्मा और डॉक्टर आलोक अग्रवाल ने गायों को गुड़ खिलाकर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता और गौ सेवक भी मौजूद रहे। यूपी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के आदेशों के बावजूद जिले की कई गौशालाओं में कोई कार्यक्रम का आयोजन आज नहीं किया गया। दरअसल आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यूपी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने आदेश दिया था कि प्रदेश भर की सभी गौशालाओं में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बावजूद इसके भावलखेड़ा ब्लॉक के सलिया गांव में बने गौ संरक्षण केंद्र में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। खास बात यह थी कि इस दौरान गौ संरक्षण केंद्र पर कोई भी गौपालक या कर्मचारी देखने को नहीं मिला। जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एसपी एस आनंद ने आधा दर्जन से ज्यादा थानेदारों के तबादले किए हैं। उसी सिलसिले में जलालाबाद थाना अध्यक्ष रहे जयशंकर सिंह को रिजर्व पुलिस लाइन भेजा गया है, तो वहीं प्रभारी निरीक्षक अपराध थाना आरसी मिशन में तैनात अमित कुमार पांडे को थाना सदर बाजार का जिम्मा सौंपा गया है। जैतीपुर क्षेत्र के बाखरपुर गांव में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से साथ मनाया गया। यहां जन्माष्टमी के मौके पर यज्ञ का आयोजन हुआ। इस दौरान पंडित विचित्र देव आर्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण एक महान योद्धा और वेदों के ज्ञाता थे। यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मिशन 24x7 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जलालाबाद के रामताल रोड पर पुलिया निर्माण का काम रुका हुआ था, जिसके चलते लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही थी। वहीं मिशन 24x7 ने आमजन की समस्या को देखते हुए इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद नगरपालिका प्रशासन की नींद खुली और पुलिया के निर्माण का काम शुरू हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने मिशन 24x7 को धन्यवाद बोला है। सायापुर एसओजी और कोतवाली पुलिस ने दो दिन पहले शराब ठेकेदार के कार्यालय से हुई 1,07,00,000 की चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1,07,15,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। साथ ही 4 तमंचे और कई कारतूस भी पुलिस को मिले हैं। शराब कलेक्शन एजेंट ने अपने ऑफिस के कर्मचारियों को बेहोश कर 1,07,00,000 से ज्यादा की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है।